जालिया वो देखें। सबसे पहले तो गिरफ्तारियों पे आता हूं मैं। राणा साहब ने बात की कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस पे इन्होंने बात की। देखें, जो नवाज शरीफ पे केस बना था ना, वो इमरान खान ने नहीं बनाया था, ठीक है, वो बनाया था आसफ जरदारी ने। और टोटल जितने केसेस उन पे बने हुए थे वो सारे पीपी हुकूमत के थे, उनकी अपनी जो आज इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को देखता हूं कि जो ये वायलेंस कर रहे हैं उन पे, टॉर्चर कर रहे हैं उनके ऊपर, क्या अगर इतना टॉर्चर नवाज शरीफ बर्दाश्त कर सकता था अगर उन पे किया जाता उस वक्त? इतना जितना टॉर्चर आजम स्वाति पे हुआ है, इतना टॉर्चर अगर उस वक्त किया जाता आजम उस पर नवाज शरीफ पे, मेरे लीडर का विजन ये था कि उसने कहा इसने जो किया इसको जाने दो, मुल्क को चलने दो। इमरान खान भी जानता था कि वो क्यों जा रहा है, बीमार नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर किसने बाहर जाना है, तो उसने ड्रामा किया, बाहर चला गया। जैसे ही बाहर गया है वो पिज्जा खाना शुरू हो गया। ये लीडर है, ये लीडरशिप इसको बोलते हैं आप? आए पाकिस्तान में आके बैठे, मेरा लीडर इधर बैठा हुआ है, आए उसके साथ टक्कर ले आके, हुकूमत भी अपनी इतनी इखलाकी जरूरत नहीं कि अपनी हुकूमत में आके बैठ के उनका सामना किया जा सके? इसको कैसे आप लीडरशिप बोल सकते हैं? मैं नहीं मानता इसको लीडरशिप, ना ये लीडरशिप है। तो जितने केसेस से बने बनाए हुए वो पीपी दौर के थे या इनकी आपस, ये जितने पीडीएम में बैठे हुए हैं उनके अपने थे, ना तो उन पर टॉर्चर हुआ, ठीक है। एक जो कानूनी प्रोसीजर था, कानूनी प्रोसीजर के मुताबिक केसेस चलाए गए, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि एक बाहर से रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान में किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान को हटाया गया, इनको लाया गया, इन्होंने अपने केसेस जिस तरह बचाए वो सबके सामने, उन केसों से कैसे बचे यार? कैसे प्रोसिक्यूशन साबित करेगी आप ऊपर वजीर आपका अपना बैठा हुआ है, वजीर आजम आपका अपना बैठा हुआ है, कैसे वो साबित करेंगे? वो बड़ी आपका अपना वजीर पंजाब में, आपका अपना पंजाब आज नहीं बात कर रहा। जिस वक्त आपने वो चोर जो शहबाज शरीफ है, जिस वक्त आपने उसको बिठाया था उस पर केस चल रहा था, वो जमानत पे था। किसी मुल्क में ऐसे होता है? किसी मुल्क में ऐसे होता है? किसी मुल्क में ऐसे होता है कि जो बंदा बेल पे उसको वजीर आजम बना दिया? राणा साहब बातें करने को बहुत कुछ है, लेकिन असल मकसद ये है कि देखना ये चाहिए कि इन सब में से फिर भी हमारे लिए ऑप्शन क्या बचता है, वो इमरान खान ही बचता है। जितनी भी बातें कर लें, तो मैं इस पे यही कहूंगा कि थोड़े से रह गए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी ठीक हो जाए। बाकी ओवरऑल इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे जो इलेक्शन आएंगे, ठीक है, क्लीन स्वीप करेंगे। जो थोड़े बचे हैं ना, इनका आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के आटे की लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिस तरह बच्चे भूख से मर रहे हैं, ठीक है, ये मुवाजना करते हैं। राणा साहब ने भी मुवाजना किया, सॉरी टू से कि मैं भूल चुका था कि आप कर्जा जात देखें उस वक्त के, यानी कि पिछली दौर हुकूमत, कर्जों का मामला यही होता है कि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है कर्जों ने बढ़ना है। वो इमरान खान की हुकूमत हो या अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान ने जितना 4 साल में किया उससे ज्यादा तो ये 9 माह में कर गए, अब इसका आप जवाब कैसे देंगे? मैं ये दोनों पार्टीज की बात सुन रही हूँ, और जब से पाकिस्तान बना है अब तक सियासी शऊर जो अगर देखा जाए तो तब अभी तक हमारी आवाम में शऊर नहीं था आया। हमारी आवाम एक मतलब सियासी, अब सोशल मीडिया का दौर है। अब अगर कोई चाहे कि ये जो इंतकाम हो रहा है, वो एक जमात आ रही है तो उनका इंतकाम ले रही है, दूसरी आ रही है तो वो अपने बदले ले रही है, तो मेरे ख्याल से ये गेम अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि आंखों लोगों की आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, या लोगों के कान बंद हैं, या लोग बोल नहीं सकते। अब बोलने का जरिया भी आ गया, अब लोग बोल भी सकते हैं, लोग समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। हाँ, वो अभी फ़िलहाल उनके पास एक ही पावर है, वो है वोट, और ये और हर शहरी के पास ये है, और उसका बेहतरीन इस्तेमाल अगर वो करें अपने इस टूल को, अपने इस हथियार को, तो ऐसे लोगों को आगे लेके आए ताकि ये जो सियासी बदले इंतकाम और जिसकी वजह से हमारा मुल्क अब तबाह हो रहा है, श्रीलंका जैसा हमारे मुल्क का हाल हो रहा है, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा कि हमारी सनतें, हमारी तालीम, हमारा सेहत कहाँ जा रही है, हमारे लोगों का क्या हाल होगा, हमारे शहरी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैडम, तो मैं थोड़ा सा आपको करूँगा काउंटर कि जो ये श्रीलंका वाला हाल है ना, ये खान साहब की एक वो प्लानिंग है जिससे वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त IMF का वफ्त पाकिस्तान में आ चुका है, जानबूझकर खान साहब ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? जब IMF आएंगे ना, वो देखेंगे इस मुल्क का हाल क्या है,
या जो बाहर लोग जिन्होंने आपको इमदाद देनी है वो देखते हैं। तो इनको पकड़ कौन रहा है? कोई मुल्क हमारा डिफॉल्टर हमारा मुल्क नहीं होने वाला, दिवालिया नहीं होगा। सिर्फ खान साहब ये कर रहे हैं, पीछे ऑडियो लीक हुई और इमरान खान ने क्या बोला उसमें जो गंडापुर थे कि ऐसा माहौल क्रिएट करो कि IMF ने कर्जा ना दे। अब जो श्रीलंका वाली बात है वो खान साहब प्लानिंग से कर रहे हैं कि IMF वाले आए और कर्जा ना दे, तो ये मुल्क दुश्मनी नहीं, है तो ये गिरफ्तारियां विदाउट प्लानिंग हो रही हैं। ये जो गिरफ्तारी है ना, अब जो लाल हवेली वाला मामला है ना, लाल हवेली वाला केस वो 10-15 साल से पेंडिंग है। लाल हवेली वाला केस याद आया इनको, जब वो कोर्ट ने जो डिसाइड करना था उन्होंने कर दिया, अब इनके पास सबूत है तो अपील कर ले। बाकी रह गया फवाद चौधरी वाली बात, तो वो ऐसा है कि उसने जितना लड़ाने की कोशिश की है। आप मुझे बताएं, मैडम ने बात की थी कि खाने का एक छत पे नमाज पढ़ी है, जब मदीने शरीफ में इतना बड़ा उसका बेहुमती की गई मदीने की, खान साहब एक लफ्ज नहीं बोले उस जगह पर। और एक रात पहले इसी शेर शीद ने क्या कहा कि आप जाओ मदीने आपको पता चल जाएगा। खान साहब ने कहा जाओ आग, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ PTA के गुंडे वहां पर गए और मदीने का तकद्दस पमाल किया और वहां बेहुमती की। और मजाल है खान साहब ने कहा हो कि जनाब ये गलत हो गया, आप कहते हैं आज के रसूल है। जी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप जैसे कह रहे हैं खान साहब ने भेजे या शेख रशीद ने भेजे, निकले वो नून लीग के थे, बस शेर अली के बंदे निकले थे। बाकी रहा कि फवाद चौधरी ने जो कहा कि मुंशी, अब कल इस असम्बली में एक MNA ने कहा कि ये मुंशी नहीं है, ये शरीफ फैमिली का चपड़ासी है, इलेक्शन कमीशन, तो अब क्या उसको पकड़ेंगे? अच्छा, हमारे सीनियर भाई साफ़ी जो हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया। सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल की तरफ से उनकी गिरफ़्तारी पर पुरजोर मजम्मत करता हूं। उसके बाद राणा साहब आपसे सवाल है कि सच बोलने पे कौन सी दफ़ा लगती है जो उनको गिरफ़्तार किया गया? अब सच है क्या, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो डबल रुख रहता है, 2.5 तलवार है। आप झूठ बोल रहे हो और कहें सच बोलूँ, मैं कैसे मान जाऊँ? आपकी नज़र में जो सच है मुझे झूठ लग रहा है, या मेरी नज़र में जो सच है वो झूठ लग रहा है, डिसाइड कौन करेगी? ये हमारी कोर्ट है। लेकिन मैं जो ये साफ़ी वाली बात है पहले मजम्मत करूंगा, जिस तरह चाहे PTA ही ने अपने दौर में साफियों पर एक कानून पास किया था, अगर आपको याद हो, वो कानून ये था कि अगर सहाफ़ी कोई गलत खबर दे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया था, ये तब की बात है। और इसी फवाद चौधरी ने आकर स्टेज पर लाखों दफ़ा कहा कि हमने बेहतर किया, ये सहाफ़ी हमारी इज्जत उछालते हैं, इसी फवाद चौधरी ने। देखिए वक्त का पहिया फिर कैसे चलता है। अब वही फवाद चौधरी अपने बनाए हुए कानून के अंडर आ चुका है। बात सच बोलने की नहीं है, बात ये है कि आपने हकीकत कही है कि नहीं। आप अपनी बात को सच कहते रहे हो झूठ, इसलिए फवाद चौधरी मैं समझता हूं कि जिस तरह वो बात किया करते हैं और लोगों की गलत बातों को मतलब नकलें उतारते हैं, वो कोई बंदा ही नहीं है। सियासी बसीरत होती है बात करने का तरीका, बात करने का अंदाज। वो तो आज हुकूमत के बदले वो देखेगा इमरान खान साहब क्या हाल करता। इसलिए जो ये गिरफ्तारी है ये उसी का पेश खेमा है जो PTA करती रही है। हाँ, कानून के मुताबिक उसका ट्रायल होना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं सच्चा हूं तो साबित करे, गवाह लेके जाए, वहां पर बरी हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा बोला है जो गलत है, सजा मिलनी चाहिए। मैं जी इस गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूं और राणा साहब से ना इख्तलाफ करता हूं। एक इमरान रियाज खान है और पाकिस्तान के मैं समझता हूं कि 49 से 50 चैनल हैं जो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको एक बंदा नहीं हजम हो रहा। और उसका भी और उसका जो है ना जिगरा दिल गुर्दा उसका देखें कि वो 50 चैनल को काउंटर कर रहा है। अगर अगर नून लीग के खिलाफ बोलना या सच बात करना ही जुर्म है, तो फिर जो बातें इमरान खान के खिलाफ 50 चैनल वाले इनके इन ये पैसे पे करते हैं उनको, और वो सारा दिन जियो ले लें आप, जंग न्यूज़पेपर है, उसके अलावा कोई एक 92 है, उसके एक ARY काम कर रहा है, और उसके पे भी जब इन्होंने अपनी वो जो एक दो दफ़ा FIRs दी हैं और उनका चैनल बंद किया है, वो भी बेचारे वो लेवल पे आ गए हैं। और बाकी जो 49 से 50 चैनल्स हैं वो नून लीग के हक में बोल रहे हैं, और एक बंदा चैनल भी नहीं है, एक बंदा हजम नहीं हो रहा इनको कि जो उनके अगेंस्ट बोल रहा है। ये क्या ये सियासत है? अच्छा, वो किसके खिलाफ बोल रहा है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बस बड़ साहब ये जवाब दें खुले दिल के साथ जी कि इमरान रियाज साहब किन के खिलाफ बोल रहे हैं? इमरान रियाज खान इस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सच बोलिए, मीडिया के सामने है, मुझे बताएं किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है उसके खिलाफ बोल रहे हैं।
अब आप दिल बड़ा करें, पीटीए के बंदे हैं, आप कर दे बात, उसे पकड़ा क्यों गया, गया? उसने किसके खिलाफ बात की और किनको टारगेट कर रहा है और क्यों कहता है कि तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, इनको किनको कह रहा है? नहीं, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको बताया कि हामिद मीर ने क्या कहा था जब एक साफी को मारा था अंदर, उसने क्या कहा था, क्या लफ्ज कहे थे, किन के खिलाफ कहे थे? उनकी नहीं, नहीं नहीं मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इमरान रियाज को पकड़ रहे हैं तो हामिद मीर को क्यों नहीं पकड़ा था? तो उसने तो अंदर की बातें की थी, अभी भी वो वीडियो है, मैं देखती रहती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। बल्कि मैं अब एक औरत हूँ, औरतों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी और उनके बारे में भी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन सब आया है, लोग समझ रहे हैं इमरान रियाज किसके खिलाफ कह रहा है, कैसे कह रहा है, सिस्टम के खिलाफ कह रहा है। इस सिस्टम को ठीक होना चाहिए, 75 ईयर्स हो चुके हैं सिस्टम, लेकिन अब आयाम हुआ है तो अब इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने सबकी बातें सुनी, अब फैसला आपने करना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया।